हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 40 डेज क्रैश कोर्स के ऊपर, और उसके अंदर आज हम करने वाले हैं डे 17। ठीक है, और ये जो क्रैश कोर्स है हमने एचटेट एग्जाम के लिए जो है स्टार्ट किया है। और आप सबको पता है कि एचटेट का जो एग्जाम है वो पहले 21-22 नवंबर को था, उसके बाद जो है डेट चेंज होकर दिसंबर में आ गया, एंड देन अभी जो है फिर से जो है एचटेट एग्जाम की डेट चेंज हुई है, जो की 2 या 3 जनवरी को होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका स्टेट का एग्जाम है वो थोड़ा और आगे एक्सटेंड हो गया है, और आपको 1 हफ्ता 10 दिन जो है और अच्छे से प्रिपेयर करने का आपके पास टाइम आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं अपने जो आज की हमारी क्लास है उसके ऊपर। और जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है जितने भी आपके केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस या फिर यूपी का जितने भी जो आपका कंप्यूटर साइंस है, जितने भी एग्जाम है उससे रिलेटेड आप मेरे चैनल पर जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। अब यहाँ पर डे 17 से पहले हमारे जो डे 16 है उसमें हम 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ओएस हो गया है, डिजिटल हो गया है, एंड देन आपका एचटीएमएल हो गया है, और तीनों के ऊपर जो है मैंने टेस्ट आपसे लिया है। आपको पता चल गया होगा कि आपने जो है कितना अच्छे से प्रिपेयर किया है, कितना नहीं किया है। अब उसके बाद हम आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। बताने की जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले एचटेट की बात कर लेते हैं। तो एचटेट के एग्जाम में यहाँ से मिनिमम जो है 5 to 6 marks का आराम से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और मिनिमम बता रही हूँ, इससे ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन 5 marks का तो शायद आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी तक तो आया है जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं। उसके बाद जो है आपका एचएसएससी पीजीटी में भी आप यहाँ से मान के चल सकते हो कि आपका 4 to 5 या 3 to 4 marks का यहाँ से आएगा ही आएगा। तो जो भी बच्चे एचएसएससी पीजीटी की मेरे चैनल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको बिल्कुल अच्छे से देखें। उसके बाद केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस। डीएसएसबी में तो यहाँ से आगे लगा सकते हो, 15-20 marks का आ सकता है, क्योंकि डीएसएसबी में जो है 100 marks का आपका कंप्यूटर साइंस आएगा। उसके बाद केवीएस में भी 80 marks का आएगा, तो यहाँ से आप लगा सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क में से अच्छा खासा आता है। तो आप जो है हम अपना कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये है कि पूरा एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, अगर हम इसको डिटेल में करने चले तो 1-2 महीना यही सब्जेक्ट ले लेगा। लेकिन हम यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और हर बार एग्जाम में आया ही है वही डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला जो आता है वो आपका ओएसआई मॉडल आता है। तो ओएसआई मॉडल के बेस पे ही आपका पूरा नेटवर्किंग टिका हुआ है, क्योंकि ओएसआई मॉडल की जितनी जो 7 लेयर हैं, जो उनकी फंक्शनैलिटी होती है वही जो है आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम जब डिटेल में बात करेंगे तो आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर आउट होंगी। अब ओएसआई मॉडल के बाद जो आपकी टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी में से बिल्कुल क्वेश्चन आता है, स्टार, मैश, ये एग्जामिनर पूछ लेता है। उसके बाद जो है जो आपकी डेटा जो कम्युनिकेशन है आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। उसके बाद जो है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, इनमें से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे जो जहां जहां से आएंगे वो हम जो है अभी 3-4 दिन में पूरा कवरअप करेंगे इस सब्जेक्ट को। अब हम आज पढ़ने वाले हैं आपका ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल को आज हम डिटेल में देखेंगे, साथ में जो जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं ओएसआई मॉडल पे सारे जो है डिटेल में आज डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है आपका ओएसआई मॉडल से वो यही बनता है कि ओएसआई मॉडल की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी। तो ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म तो सबको पता ही है कि ओएसआई मॉडल की फुल फॉर्म क्या होगी भाई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। लिख देती हूँ एक बार, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है कि ओएसआई मॉडल को किसने डेवलप किया था? आईएसओ ने। किसने डेवलप करवाया था भाई? आईएसओ ने करवाया था, इंटरनेशनल, इसके भी फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछ लेता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहां से इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है और इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो आपको जो है ये दोनों ही बहुत अच्छे से देखने हैं। अब यहां से और क्वेश्चन क्या बनता है, अब देखो ओएसआई मॉडल को आप इसलिए कहते हो ओएसआई आईएसओ मॉडल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपका ओपन सिस्टम होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ओएसआई मॉडल कभी
इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हमारा TCP/IP मॉडल था उसको हमने इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन OSI मॉडल जो है एक प्रोसीजरल यानी कि जो थ्योरी बेस है, मतलब यहाँ पर हम थ्योरी देखते हैं और TCP/IP मॉडल को हमने जो है रियल अपनी जो लाइफ है वहां पर जो है डेवलप करवाया है। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा मॉडल जो है वो जो है हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है, कौन सा मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ है TCP/IP। अब नेक्स्ट क्वेश्चन OSI मॉडल से क्या बनता है वो देखो, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे और क्वेश्चन के साथ साथ आपकी थ्योरी भी डिस्कस हो जाएगी, जिससे जो है आपके सारे जो पॉइंट्स हैं वो चीजें क्लियर होते जाएंगे, साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि आपका OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है, OSI मॉडल में कितनी लेयर होंगी। भाई बिल्कुल फिक्स है, TCP/IP मॉडल में हमेशा डाउट रहता है कि आपके जो लेयर है वो कितनी होती है, लेकिन OSI मॉडल में जो लेयर है वो आपकी फिक्स होती है। कितनी लेयर होंगी भाई? 7, ठीक है। लेकिन अगर TCP/IP की बात करें तो TCP/IP में जो आपकी लेयर होगी या तो 4 होंगी या 5 होंगी। तो जब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है TCP/IP पे, तो हमेशा जो है या तो आपको 4 गिवन होगा 4 ऑप्शन में, या फिर 5 गिवन होगा, मतलब दोनों जो है एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि 4 भी सही है और 5 भी सही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि TCP/IP में 4 या 5 और OSI मॉडल में आपकी जो लेयर है वो फिक्स होती है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट आ सकता है कि ये जो 7 लेयर है जो OSI मॉडल में आपकी जो 7 लेयर है इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही बनेगा, आपको मतलब क्या होगा, आपका सिक्वेंस आपको पता होना चाहिए किसका, OSI मॉडल का। तो सिक्वेंस की अगर मैं बात करूं OSI मॉडल की, तो यहाँ से आप देख सकते हो 7 लेयर है तो सिक्वेंस में होंगी, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर नीचे कर देंगे। तो सबसे पहले आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, नाम लिख देती हूँ फटाफट, एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन है आपकी सेशन लेयर, फिर आएगी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आएगा आपका नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, और फिर आएगी आपकी फिजिकल लेयर। तो ये 7 लेयर हो गई, 7 लेयर हो गई। अब इन 7 लेयर पर क्या क्वेश्चन आएगा, कई बार ये 4-5 लेयर आपको दे देगा और बोलेगा कि इनको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके का ऑर्डर है और आपको इसी ऑर्डर में जो है इनको मेंटेन करना है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आप इन लेयर का जो सीक्वेंस है उसको कैसे याद करो, तो उसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक से याद करना है आपको सीक्वेंस का। तो क्या होगा, ए से आप कर सकते हो आज, पी से आप बोलोगे फिर, एस से बोलोगे से, टी से बोलोगे टेस्ट, एन से बोलोगे नहीं, डी से बोलोगे देना और पी से बोलोगे पड़ेगा। मेरी फेवरेट ट्रिक है ये, और आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो ये क्या है, अगर आपने स्कूल टाइम में, अगर आपको जब आप स्कूल टाइम में होते थे और जब आपको टेस्ट नहीं देना पड़ता था, तो आप हमेशा गॉड से ये प्रे करते होगे कि आज जो है मैडम या सर ना आए। मैं तो करती थी, आपका आप सोच लो आप क्या करते थे। तो हम या तो ये बोलते थे कि आए तो टेस्ट ना हो, अगर या फिर आए ही ना बहुत ही अच्छा है, एटलीस्ट टेंशन नहीं रहेगी कि जो है सर नहीं आए तो ऑब्वियसली टेस्ट नहीं होगा। तो आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। आज से, आज एप्लीकेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर, एस से आपकी सेशन लेयर, टी से आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, नहीं से आपका नेटवर्क लेयर, डी से आपका जो है डेटा लिंक लेयर, एंड पी से जो है आपका फिजिकल लेयर। आई होप आपको ये विद इन सेकेंड जो है याद हो गई होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, अब यहाँ से क्वेश्चन जो है एक तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर वाला बन गया, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से आप देखो यहाँ पे स्ट्रिक्ट में इम्पोर्टेंट क्या है आपका टेस्ट, स्ट्रिक्ट में इम्पोर्टेंट क्या, क्योंकि पूरी कहानी तो टेस्ट की है ना। अगर टेस्ट सर बोलते ही नहीं तो हम तो प्रे करते ही नहीं कि सर ना आए, हम प्रे इसलिए कर रहे हैं कि जब सर ने टेस्ट बोला है। तो टेस्ट क्या है यहाँ पे, पूरी ट्रिक में इम्पोर्टेंट क्या है, टेस्ट, और टेस्ट के साथ क्या बनता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, टेस्ट के साथ आपका क्या बनता है ट्रांसपोर्ट लेयर, और जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ना वो आपका OSI मॉडल का क्या होती है, हर्ट, क्या होती है हर्ट, ठीक है।
तो ये जो ऐसा ही मॉडल है क्यों, क्योंकि ये आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करवाती है बीच में। तो इसलिए हम ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। किसका? OSI मॉडल का। क्योंकि ये जो फिजिकल लेयर होती है वो हार्डवेयर के पास होती है और एप्लीकेशन लेयर जो है यूजर के पास होती है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो लिंक अप करवाता है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। इसलिए ये ट्रिक जो है वो आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, अगर आप याद कर सको तो। इतनी ज्यादा टफ तो है नहीं और टेस्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पर जो है आपकी इम्पोर्टेंट होगी। यहाँ तक क्लियर है, ये सारी क्लियर है। अब इस ट्रांसपोर्ट लेयर की एक दो चीजें और देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पर क्वेश्चन आता है कि एंड टू एंड डिलीवरी कौन करवाती है, तो एंड टू एंड डिलीवरी जो है वो आपकी कौन सी लेयर करवाएगी, ट्रांसपोर्ट लेयर करवाती है। कौन सी लेयर करवाती है भाई, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहां से ये चीज बिल्कुल याद रखना, एंड टू एंड डिलीवरी और रिलायबल डिलीवरी, सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी यही देती है। और एंड टू एंड डिलीवरी जो है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पर होती है, और TCP और UDP जो आपके प्रोटोकॉल होते हैं वो भी आपके कहां पर होंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अभी हम डिटेल में देखेंगे एक एक लेयर को, लेकिन बस मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर आया तो इसलिए मैंने ये तीन चार चीजें बता दी हैं। और ये जो तीन चार चीजें हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में आई हुई हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। TCP और UDP कई बार पूछ लेता है, TCP जो है वो कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर का। UDP पूछ लेता है, एंड टू एंड डिलीवरी तो बहुत बार आया है एग्जाम में क्वेश्चन, हर्ट मैंने आपको बता दिया है। तो आई थिंक काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से कवरअप हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेटा यूनिट्स की, कि हमने देखा कि आपको ऐसा ही मॉडल क्या है, किसने डेवलप करवाया, कितनी लेयर होती हैं, उनका सीक्वेंस क्या है और किस तरीके से जो है क्वेश्चन आएगा। एंड देन हम देखेंगे कि जो डेटा यूनिट्स हैं OSI मॉडल पे वो कौन सी होती है, और डेटा यूनिट्स पे से जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डेटा यूनिट्स की। डेटा यूनिट्स, ठीक है। अब डेटा यूनिट्स जो है वो हर लेयर पर अलग अलग होंगी, होती है ना, हर लेयर पर अलग अलग होंगी। अब कैसे होंगी वो याद, हम कैसे याद करेंगे वो देखो। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन लेयर, साथ के साथ बोलते जाओ ताकि जो ये सारी चीजें हैं आपको साथ के साथ याद होती रहेंगी। एक बार समझ में आए तो वीडियो को फिर से देख सकते हो। फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ठीक है। अब हम डेटा यूनिट्स की बात करें तो फिजिकल लेयर पे कौन सी यूनिट होती है भाई, बिट। डेटा लिंक लेयर पे कौन सा होता है, फ्रेम। नेटवर्क लेयर पे आपके क्या होंगे, प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके सेगमेंट होते हैं, और यहाँ पे तीन लेयर पर जो है आपका सेम होता है वो क्या होगा, गेटवे। क्या होगा, गेटवे, ठीक है। तो ये जो है आपकी तीनों यहाँ पर, नहीं एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे डिवाइसेस बता दिए ये, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर और यहाँ पर जो है आपका सेम रहेगा डेटा, या फिर आप मैसेज भी कह सकते, ठीक है, क्योंकि हम डेटा यूनिट्स की बात कर रहे हैं, डिवाइसेस की बात नहीं कर रहे। और यहाँ पर भी जो है आपका प्रोटोकॉल नहीं आएगा, भी प्रोटोकॉल जो है वो आपका डिवाइस होता है, हम बात कर रहे हैं डेटा यूनिट्स की, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे नेटवर्क लेयर पे क्या होगा, पैकेट्स होंगे, और यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे हमारे सेगमेंट हो जाएंगे, सेगमेंट होगा यहाँ पे डिवाइसेस में। यहाँ पे चारों लेयर पे जो है गेटवे हो जाएगा, और बाकी यहाँ पर ऐसे होगा ऊपर वाली तीन लेयर पे सेम रहेगा डेटा और मैसेज। अब इसकी ट्रिक क्या होगी, ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रिक से आप बहुत जल्दी याद कर सकते हो। तो ट्रिक आपकी होगी, दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट ले, दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट लिए, दोस्तों से आपका डेटा और मैसेज हो जाएगा, से आपका सेगमेंट हो जाएगा, पैकेट से आपका पैकेट हो जाएगा, फ्रेम से आपका जो है फ्री से आपका फ्रेम हो जाएगा, बिस्किट से आपका जो है बिट हो जाएगा, ले जो है वो यहाँ पर स्टार रहेगा, यानी कि आपने ऐसे ही यहाँ पर यूज कर लिया। तो डेटा यूनिट्स आपको पता है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेगा कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पर कौन सी
जो है डेटा यूनिट्स होती है या आपकी एप्लीकेशन लेयर क्या होगा, इस तरीके से चार ऑप्शन दे देगा और आपसे जो है पूछ लेगा, या फिर ये जो आपकी है इनको भी जो है मैचअप में दे सकता है कि मैच करना है आपको, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या फिर चार ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन देकर पूछेगा कि इसको जो है आप किस तरीके से करोगे। क्लियर है? कैसे करेंगे यार दोस्तों? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर पर, तीनों पर आपका क्या होगा, डेटा और मैसेज। कई कई जगह डेटा डेटा गिवन होता है लेकिन मैसेज भी होता है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर डेटा नहीं देता तो आप मैसेज पर टिक करके आओगे। ठीक है, डेटा यूनिट्स क्लियर है? तो ऊपर वाली तीन लेयर बिल्कुल सेम रहेंगी। कौन कौन सी है? प्रेजेंटेशन, सेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। क्या होगा वहां पर? दोस्तों, दोस्तों से आपका डेटा एंड मैसेज। उसके बाद जो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होगा? सी से आप क्या बोलोगे? सेगमेंट, क्योंकि आप डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, सेगमेंट्स बनाते हो। ठीक है, उसके बाद जो है आपका पैकेट्स में उनको बना देते हो, जब आपको कोई चीज ट्रांसफर करनी है तो इसी तरीके से आप करते हो। ठीक है, अब उसके बाद डेटा लिंक लेयर पर आपके क्या आ जाएंगे? फ्रेम आ जाएंगे। एंड देन आपका क्या आ जाएगा? फिजिकल लेयर पर बिट। क्लियर है? तो कई बार क्वेश्चन आया कि फिजिकल लेयर पर जो है आपकी बिट होती है, डेटा लिंक लेयर पर जो है फ्रेम होता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आया है कि फिजिकल लेयर जो हम फिजिकल लेयर से फ्रेम पे जाएंगे, मतलब बिट से आपका क्या बनेगा? जब हम फिजिकल टू डेटा लिंक लेयर जाएंगे तो आपका कौन सा क्या यूज करेंगे? बिट की जगह तो आप फ्रेम यूज करोगे। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी आ जाते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। सिर्फ पांच ही है ये, क्योंकि वैसे तो सात लेयर है लेकिन इनकी जगह पे हम क्या करेंगे, पांच डेटा यूनिट याद करते हैं। दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट ले, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना ताकि जो है आप एग्जाम में इसको बिल्कुल भी गलत ना कर सको। यहाँ तक क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, मैं पहले भूल गई थी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि एप्लीकेशन लेयर टू फिजिकल लेयर जाते हैं, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से जो है पहली लेयर कौन सी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आपका OSI मॉडल है तो उसमें पहली लेयर कौन सी होगी, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। क्यों? अगर ये यहाँ पर सेंडर है, अगर ये सेंडर है तो यहाँ पर पहली लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर होगी। अगर यहाँ पर मैं रिसीवर की बात करूं तो रिसीवर में आपकी पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, क्योंकि ये पहले डेटा को रिसीव करेगी। ठीक है, तो ये दोनों जो है अकॉर्डिंग टू आपका सेंडर है या रिसीवर है, उसी के अकॉर्डिंग आप बताओगे कि कौन सा है, देन ही आप बता सकते हो कि अगर सेंडर है तो एप्लीकेशन लेयर पहली होगी, अगर रिसीवर है तो आपकी फिजिकल लेयर पहली होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन क्या बनता है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि जब हम सर्विस एप्लीकेशन लेयर टू फिजिकल लेयर देते हैं, तो जो आपके हेडर है वो एड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं? ठीक है, क्या होंगे? हेडर ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन लेयर टू फिजिकल लेयर आओगे, यानी कि ऊपर से नीचे आते हो, तो आपके जो हेडर हैं वो क्या होते हैं? ऐड होते हैं। हेडर क्या होंगे भाई? ऐड होंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आए कि जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी कि फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर जाते हो, तो जो आपके हेडर है वो क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। हेडर क्या होंगे भाई? सब्ट्रैक्ट होगी। जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो हेडर ऐड हो जाएंगे, और जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो आपके जो हेडर है वो क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर अप हुए हैं, और सारे के सारे जो मैं यहाँ पर करवा रही हूँ सारे एग्जाम में आए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हो। ठीक है, तो आपकी डेटा यूनिट्स हो गई है, सिक्वेंस हो गया है, आपका हेडर वाला पोर्शन हो गया है, ये सारी चीजें कवर अप हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिवाइसेस की। किसकी बात करेंगे? डिवाइस की। ठीक है, तो डिवाइस की बात करो। अब डिवाइसेस में अगर मैं कहूं, सबसे पहले लिख लेते हैं एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट एंड देन आपका नेटवर्क लेयर, और फिर आपकी डेटा लिंक लेयर एंड आपका फिजिकल लेयर। ये आपकी लेयर हो गई।
अब आपको डिवाइसेस याद करने हैं, तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रिक की बात करूं कि फाइट हो रही है मी एंड माय मॉम, ठीक है, मेरी और मेरी मॉम के बीच में जो है वो लड़ाई हो रही है, तो यहाँ पर आप किस तरीके से करोगे? फिजिकल लेयर पर आपका क्या होता है? हब और रिपीटर, क्या होते हैं? हब और रिपीटर, ठीक है। स्पेलिंग पर मत जाना भाई, बाई मिस्टेक भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रिक बोलू तो यहाँ पर होगा हर, ठीक है, हर से हो जाएगा आपका हब, हर बात रिपीट, रिपीट से आपका रिपीटर हो जाएगा। करना जरूरी है, ठीक है। फाइट हो रही है मेरी और मेरी मॉम के बीच में किस चीज को लेकर हो रही है भाई? मोबाइल को लेकर। किस चीज को लेकर हो रही है? मोबाइल को लेकर मेरी और मेरी माँ के बीच में लड़ाई हो रही है। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिवाइसेस कर रहे हैं। ये ट्रिक है आपकी, और इस ट्रिक के थ्रू जो है हम यहाँ पर इसको देखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे? फिजिकल लेयर पर आपके होते हैं हब और रिपीटर। तो उसकी माँ जो है अपने बेटे से कहती है कि बेटा इतना ज्यादा फोन मत यूज किया करो। तो उसके बेटे को, आजकल के जो जनरेशन है वो थोड़ी सी अग्रेसिव है, वैसे भी कोई बोलता है तो थोड़ा सा फटाक से जवाब दे देते हैं, ऐसा नहीं है। पहले वाले जो होते थे वो पेरेंट्स बोल दिया तो वो आगे नहीं बोलते, लेकिन आज के जो आजकल है वो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी माँ ने जैसे ही बोला बेटा इतना मोबाइल मत यूज किया करो, तो उसने फटाक से बोला मैम हर बात रिपीट करना जरूरी है क्या? तो हर से आपका हब हो जाएगा और रिपीट से आपका रिपीटर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? हर से आपका हब हो जाएगा और रिपीटर से आपका रिपीट हो जाएगा। तो अब जो है डेटा लिंक लेयर पर आपके क्या हो जाएंगे? स्विचेस। और आपका क्या होता है डेटा लिंक लेयर पर? स्विच। और यहां पर आपके प्रोटोकॉल, और यहां पे आपका गेटवे, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर आपका स्विचेस, एक सेकेंड भाई, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा? ब्रिज, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि उसने जैसे ही बोला कि हर बात रिपीट करना जरूरी है क्या, तो उसकी माँ को और गुस्सा आ गया, उसने बोला शट अप कि अपना जो मुंह है उसको बंद रखो। तो यहाँ पर यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? स्विच बन जाएगा कि शट आउट योर माउथ से आपका क्या बन जाएगा? स्विच हो जाएगा, ठीक है। और नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर पर आपका क्या होता है? राउट होता है, राउटर होता है, ठीक है। तो अब उसका बेटा क्या बोलता है कि मॉम मेरे रूट से हटो। तो रूट, रूट यानी कि जो मेरा रास्ता है उससे हट जाओ, मतलब आप मेरे रूम से बाहर चले जाओ। तो यहाँ पर आपका रूट से क्या बन जाएगा? राउटर, ठीक है। तो रूट से क्या बन जाएगा भाई? राउटर। जैसे ही वो बोलेगा कि मॉम मेरे रूट से हटो, तो रूट जैसे ही आएगा तो आप क्या बोलोगे? राउटर, ठीक है। और फिर क्या बोलता है कि मॉम जाते जाते गेट को बंद करके जाना। तो जाते जाते आप क्या बोलोगे? गेट को, यानी कि गेट से आपका क्या हो जाएगा? गेटवे। और यहाँ पर आप एक और बोलते हो प्रॉक्सी सर्वर। क्या बोलते हो? प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है भाई? डिवाइसेस क्लियर हुए कि किस तरीके से आप इनको याद करोगे? फिजिकल लेयर पर आपका हब और रिपीटर हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर पर आपके स्विच और ब्रिज हो जाएंगे, नेटवर्क लेयर पे आपका राउटर हो जाएगा, क्योंकि राउटर के थ्रू ही आप जो है आपको किसको क्या पैकेट देना है वो देखोगे, ठीक है। नेटवर्क लेयर जो, सॉरी, बाकी के जो चार लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, ठीक है, और आपका जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, इन चारों पे जो है आपका एक डिवाइस होता है, दैट इज गेटवे, और जिसको आप प्रॉक्सी सर्वर भी कहते हो, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपका पूरा क्लियर हो गया है। अगर आपको कहीं पे भी सिंगल पॉइंट में भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद जो है हम थोड़ा थोड़ा इसको देख लेते हैं कि हब और रिपीटर क्या होता है, स्विच और ब्रिज क्या होता है, राउटर क्या होता है, और गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन दे देता है। तो ये जो चार पांच टर्म्स हैं इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि जो है आपको यहाँ पर कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करूंगी, ताकि आपको उनका आप आंसर्स कर सको, ठीक है।
हाँ जी, अब सबसे पहले आता है आपका हब। अगर मैं हब की बात करूँ तो हब जो है बहुत ही निहायती एक मूर्ख किस्म का इंसान है। उसमें बिल्कुल भी जो है नॉलेज नाम की चीज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जो हब है वो थोड़ा समझदार है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हब क्या करता है कि अगर मैं उसको कोई भी इंफॉर्मेशन देती हूँ, मतलब मैं अगर इसको कुछ भी इंफॉर्मेशन दू तो जितने भी इसके साथ डिवाइसेज अटैच हैं, जितने भी इसके साथ डिवाइसेज अटैच हैं, वो क्या करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि मुझे जो है इसके पास मैसेज सेंड करना था, लेकिन वो क्या करेगा, एक टाइम पे सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा और वो मैसेज जो है वो सबके पास चला जाएगा। लेकिन जो है वो मैसेज के ऊपर कुछ ना कुछ एड्रेस भी मेंशन है, जिसका एड्रेस है वही उसको रिसीव करेगा, अदरवाइज सब जो है उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हब जो है वो आपका क्या होता है, नियायती। अब जो है हब का इतना ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं, सिर्फ आपको एक जनरल सा पता होना चाहिए कि हब जो है वो क्या होता है कि बहुत ही एक तरीके का बहुत क्या कहते हैं कि इसमें दिमाग नाम की चीज नहीं है। ये सिर्फ क्या करता रहता है, ब्रॉडकास्ट करता रहता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, ये जो है आपका यहाँ पर आपका हर किसी मतलब एक ही गेट है, मतलब आप जो है यहाँ पे ये कोलिजन डिटेक्शन नहीं बोल सकते आप इसको। और यहाँ हब के ऊपर इतना ज्यादा अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। मेन जो क्वेश्चन आता है वो गेटवे पे आता है, राउटर पे आता है, स्विच पे आता है। ठीक है, अब जो सेकंड है वो है आपका रिपीटर। रिपीटर की मैं बात करूं तो रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करवाता है। रिपीटर मतलब सब सिग्नल को देख, इस सिग्नल की जो कैपेसिटी थी वो यहाँ तक जाने की थी, तो इसने क्या किया, इसको रीजनरेट करवा दिया। मतलब इसके अंदर इतनी पावर दे दी कि जितना यहाँ तक गया था ये वापस वहां तक जा सके। तो मतलब ये क्या कर रहा है, सिग्नल को रीजनरेट करवा रहा है। ठीक है, बस इतना ही है रिपीटर के ऊपर, इतना ज्यादा है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखो आपका हब और स्विच देख लेते हैं। सॉरी, हब और हमने हब तो देख लिया, ब्रिज देखते हैं। ब्रिज की मैं बात करूं तो आपको बताया कि ब्रिज क्या होता है, दो रास्तों को आपस में एक हम ब्रिज के थ्रू जोड़ते हैं। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे उधर है, यानी कि बीच में ये क्या कर रहा है, इसको जोड़ रहा है ना। तो यहाँ पर ये आपके जो हैं दो इस तरीके से लगे हुए हैं। अब यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, कोलिजन डिटेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास दो गेट हो गए। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पर बस की बात करूँ तो एक बस में कहीं कहीं एक जो है एक खिड़की होती है, मतलब एक रास्ता होता है निकलने के लिए, किसी किसी में दो होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर एक होगा वहां पर कोलिजन ज्यादा होगा, क्योंकि लोग धक्का मुक्की से एक ही गेट में से घुसने की कोशिश करेंगे। और जहां पर दो गेट होंगे वहां पर जो है आधी आधी, मतलब जो कोलिजन था वो क्या हो जाएगा, बट जाएगा, आधे इधर आ जाएंगे आधे उधर चले जाएंगे। ठीक है, तो हम ब्रिज की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये पहली बार तो ब्रॉडकास्ट करेगा, सेकेंड टाइम इसको पता चल जाएगा कि हमारा वन यहाँ पर है, टू यहाँ पर है, थ्री यहाँ पर है, फोर यहाँ पर है। तो ये आधे आधे को, मतलब एक बार इधर वाले को पूरे को ब्रॉडकास्ट करेगा, इधर वाले को पूरे को ब्रॉडकास्ट करेगा, लेकिन सबको ब्रॉडकास्ट नहीं करता। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो ब्रिज है वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू आपका हब, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है आपको कि ब्रिज क्या करता है, यहाँ पर आपका कोलिजन गेट, दो गेट होते हैं, उसके बाद जो है ये ब्रॉडकास्ट पहली बार में ब्रॉडकास्ट करेगा, सेकंड टाइम में जो है ये क्या करेगा, इसको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होती है, खुद की टेबल होती है, टेबल होती है, जिससे क्या करता है ये मैनेज करवाता है कि कौन सा जो है कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो स्विच, स्विच में क्या होता है, स्विच इनसे सबसे ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो क्या करेगा, उसके पास हर एक के पास मतलब जाने के लिए क्या है, उसके पास रास्ता है, मतलब हर एक के पास खुद का रास्ता है, तो कोलिजन आपका नहीं होगा। सेकंड थिंग क्या होगी, यहाँ पर खुद की जो है आपकी टेबल जो है मेंटेन करता है, इसको पता है कि कौन सा जो है मेरे पास कहाँ पर कनेक्ट है, मुझे किसको कहाँ पर जो है पहुंचाना है, सबके रूट इसको अच्छे से पता है। लेकिन पहली बार में ये भी क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, तो स्विच जो है वो सेम नेटवर्क को कनेक्ट करवाने के लिए यूज करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जब हमें सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करवाना है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, स्विच का। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दिस सिमिलर नेटवर्क के लिए हम किसका यूज करेंगे, राउटर का। ठीक है,
और अगर सिमिलर नेटवर्क की बात हो रही है तो हम स्विचेस का यूज करेंगे। क्लियर है? स्विचेस और जो राउटर है वो सिमिलर से ही होते हैं, लेकिन जो स्विच है वहां पर ज्यादा जो है आपके पोर्ट होते हैं एज कम्पेयर टू राउटर। दोनों में मेन डिफरेंस आपका यही होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है आपका राउटर आ जाता है। राउटर मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो है इसकी खुद की टेबल होगी, सबके पास अपना अपना रास्ता होगा। यहाँ पर जो है ये क्या करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है उनको क्या करता है, डिसिमिलर नेटवर्क को क्या करवाता है, कनेक्ट करवाता है। क्या करवाता है? डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करवाता है। ठीक है, अगर आपको इनको बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखना है, हर एक का पॉइंट अच्छे से देखना है, तो जो है आप मेरे मैंने एक नेट कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट होगी, वहां पर जाके सिंगल सिंगल वीडियो देख सकते हो। सबको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में करवाया है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इससे ज्यादा जो है डिटेल में अभी करवाना, क्योंकि ये 40 डेज क्रैश कोर्स है तो हम इसको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको इनको बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर को, सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए स्विचेस को। उसके बाद जो है आपका आता है गेटवे। क्या आता है? गेटवे। इरेज कर लेते हैं इसको। इसके बाद आएगा आपका गेटवे, और गेटवे क्या होता है, एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। क्या होता है? एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। आप किसी भी नेटवर्क में एंटर और एग्जिट करने के लिए आप किसका यूज करते हो? गेटवे का यूज करते हो। लाइक अगर मुझे किसी यूनिवर्सिटी में एंटर करना है तो जो उसका मेन गेट होगा वो क्या होगा, आपका एक तरीके का गेटवे होगा कि मैं उस गेट से पार उसके उधर चली गई तो मुझे एक अलग ही एनवायरमेंट दिखेगा, एक अलग ही माहौल दिखेगा, है ना। लाइक अगर मैं यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ तो बाहर से अंदर का माहौल तो बिल्कुल चेंज होगा ना। फिर उसमें भी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, कॉमर्स का अलग है, साइंस का अलग है, आपका आर्ट्स का अलग है, आपका बीसीए का सेक्शन अलग है, बीबीए का अलग है। तो सेम जो है वो आपका एक तरीके का क्या हो गया, एक गेट हो गया कि हम उसमें जा रहे हैं तो एक हमें अलग ही जो है पूरा चेंज देखने को मिल रहा है। तो क्लियर है? गेटवे के ऊपर इतना ज्यादा जो है नहीं आता, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि गेटवे क्या है आपका। जहां पर भी आप किसी न्यू नेटवर्क में जा रहे हो तो उससे पहले आप किसको यूज करते हो, गेटवे को यूज करते हो। तो सिंपल अगर डायरेक्ट डेफिनेशन की बात की जाए तो ये एंट्री और आपका एग्जिट पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स कि आपके एप्लीकेशन लेयर पर कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, आपके प्रेजेंटेशन पे कौन से होंगे। ठीक है, तो इनको हम प्रोटोकॉल्स को देख लेते हैं। अगर एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो आपको काफी सारे प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल के ऊपर भी जो है डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपके प्रोटोकॉल होंगे। तो सबसे पहले HTTP, इनको भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक तो थोड़ा प्रोटोकॉल बता रही हूँ कि इस लेयर में ये प्रोटोकॉल होते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम में आता ही आता है। TGP PGT एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना बनता भी है। ठीक है, उसके बाद है आपका SMTP, POP, उसके बाद जो है आपका आएगा FTP, उसके बाद आता है आपका Telnet, और भी काफी सारे हैं जिनको मैं आपको बाद में डिटेल में डिस्कस करवाऊंगी। ठीक है, तो प्रोटोकॉल आपके ये हो गए। डेटा यूनिट्स आपको पता है, डेटा यूनिट जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एप्लीकेशन लेयर पे डेटा यूनिट और आपके डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोटोकॉल हमने एप्लीकेशन लेयर के देखे थे, अब हम देख लेते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के। प्रेजेंटेशन लेयर पर आपके कौन कौन से होते हैं भाई? मेन अगर मैं कहूँ X.25, ठीक है, उसके बाद जो है आपका पैप, एंड देन है आपका NDR। ठीक है, मेन आता
है तो X.25 ही आता है, इससे ज्यादा जो है एग्जामिनर यहाँ पे भी अभी तक नहीं आया है। ठीक है, जो जो मेन है वो मैं आपको, जो भी बच्चे जिन्होंने भी पेड ले रखा है, मैं वहां पर जो है आपको इन सबका मैसेज कर दूंगी, मतलब एक पूरा चार्ट बनाकर भेज दूंगी कि डेटा यूनिट्स ये हैं, ताकि आपको पूरा अच्छे से याद करने में इजी रहे। ठीक है, और जो भी बच्चा अगर पेड लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि अभी अगर ये नेटवर्क चल रहा है तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे, एंड देन जो है लास्ट में आपको कुछ सीरीज मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है इस मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हो nsclasses92@gmail.com। ठीक है, nsclasses@gmail.com, अगर आप पेड लेना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद है सेशन लेयर। सेशन लेयर पर जो मेन मेन प्रोटोकॉल है वो आपके कौन कौन से होंगे भाई? सेशन लेयर पर आपके होंगे आरपीसी, वैसे इनके अभी तक इतने ज्यादा आए नहीं है, मेन जो नीचे वाली लेयर है उन्हीं के ऊपर आते हैं। ठीक है, एएसपी, एसएनपीपी, अभी तक वैसे इन पे तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। एप्लीकेशन लेयर का आता है, और आपका जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के आते हैं, नेटवर्क लेयर कर आते हैं, डेटा लिंक लेयर के आते हैं, तो इनके जो है प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि टीसीपी यूडीपी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, और एंड टू एंड जो रिलायबल डेटा की जो डिलीवरी करवाती है वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर करवाती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो टीसीपी यूडीपी, अगर और बोले बाकी और आते तो नहीं है मेन, अगर इन्हें हम डिटेल में देखेंगे, इनको मैं डिटेल में करवाऊंगी, क्योंकि टीसीपी जो होता है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और यूडीपी जो होता है वो आपका कनेक्शन लेस होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब जहां पर आप वायर को यूज करते हो, कनेक्शन लेस मतलब जहां पर आप वाईफाई वगैरह विदाउट वायर जो आप काम करते हो वो आपका वायरलेस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया आपका, एंड देन देखो आपका नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटोकॉल यहाँ पर जो है काफी ज्यादा यूज होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इनमें जो है आपका आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सीआईडीआर, एनएटी, काफी सारे हैं, एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके, एग्जाम में कैसे आता है वो भी बता देती हूँ। हाँ जी, प्रोटोकॉल देखो, नेटवर्क लेयर तो आपका हो गया आईपी, उसके बाद सीआईडीआर की फुल फॉर्म भी आती है क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो आपको ये फुल फॉर्म जो है अच्छे से याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो सीआईडीआर आपका क्या होगा? क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग। उसके बाद देखो एनएटी की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आई है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो ज्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, आईसीएमपी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में आई है, इंटरनेट सेंट्रल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जो है सारे फुल फॉर्म आती है, और ये सारे जो प्रोटोकॉल है ये आपके नेटवर्क लेयर के हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आता है एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद आरएआरपी आता है, ये रिवर्स आ जाएगा आपका। ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका डीएचसीपी होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, और लास्ट है आपके बूट पी ओएसपीएफ और बीजीपी काफी इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, एग्जाम में आता है भाई। ठीक है,
तो ये सारे के सारे जो है इनकी फुल फॉर्म एग्जाम में आती है, इनको नोट डाउन कर लेना, कॉपी में लिख लेना। CIDR क्या होगा? क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग। NAT क्या होगा? नेटवर्क एड्रेस रिजोल्यूशन सॉरी ट्रांसलेशन। ICMP क्या होगा? इंटरनेट सेंट्रल मैसेज प्रोटोकॉल। एंड देन ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP क्या होगा? आपका रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म सबकी आई है भाई, इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेटवर्किंग लेयर के प्रोटोकॉल है, एंड देन सेकंड ये याद रखना है कि इन सबकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। सारी जो मैंने आज पूरी क्लास दी है इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखो BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके डेटा लिंक लेयर पर। डेटा लिंक लेयर पे आपका डेटा लिंक कंट्रोल, PPP, SDLC इन सबके ऊपर आता है। और ये इतना ज्यादा जो है डेटा लिंक का क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या फिर जो है जो पेड ग्रुप है वहां पर सेंड कर दूंगी। इससे ज्यादा जो है OSI मॉडल पे नहीं आता, ठीक है। फिजिकल लेयर पर हम बात कर ही चुके हैं, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर हम इसकी फंक्शनिंग की बात करें कि कौन सी लेयर की क्या क्या फंक्शनिंग है, तो वो भी देख लेते हैं, ताकि आपका जो OSI मॉडल है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो फंक्शंस देख लो, फंक्शन देखो भाई। मेन मेन फंक्शन बता देती हूँ, जो जो एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर, है ना। फंक्शन के ऊपर जो है पूरा आपका नेटवर्किंग डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के फंक्शन देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर के फंक्शन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग, क्योंकि मैसेजिंग आपने देखा ना कि FTP यूज कर रहे हैं, SMTP यूज कर रहे हैं, POP3 यूज कर रहे हैं, तो ये सारा क्या है? मेलिंग करवा रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग क्या हो, कहां पर होगी? आपकी एप्लीकेशन लेयर पर, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड क्या होगा? रिसोर्स शेयरिंग एंड डिवाइस रीडायरेक्शन, ठीक है। रिसोर्सेस को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है, एंड डिवाइस रीडायरेक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट ही करवा रही हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज वाली जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। एंड नेक्स्ट है आपका रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाइंग पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद जो है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम क्या करवाते हैं? डेटा को डी, अगर आपने क्वेश्चन देखा हो, एनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन कहां पर होता है? प्रेजेंटेशन लेयर पर। हजार बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, अगर एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन कहां पर होगा? एक बार ये क्वेश्चन आया था आपका NTA नेट के अंदर, और उस टाइम पे जो है आपका प्रेजेंटेशन लेयर गिवन नहीं था, चार ऑप्शन गिवन थे, लेकिन उन चार ऑप्शन में जो है आपका प्रेजेंटेशन नहीं था। तो उस केस में आप किसके ऊपर टिप करोगे? अगर आपका प्रेजेंटेशन लेयर गिवन नहीं है और बाकी लेयर गिवन है, तो आप एप्लीकेशन लेयर को, अगर एप्लीकेशन लेयर बिल्कुल होगा, अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो वहां पर एप्लीकेशन होगा, तो आप एप्लीकेशन लेयर को टिक करके आओगे, क्योंकि वहां पर जो आंसर बना था वो आपका एप्लीकेशन लेयर ही बना था, ठीक है। तो क्लियर है, एनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन वैसे तो प्रेजेंटेशन लेयर है, अदरवाइज अगर प्रेजेंटेशन लेयर नहीं है, आपको नहीं मिल रहा, तो आप एप्लीकेशन लेयर को टिक करोगे, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन लगा लो एनक्रिप्शन, डेटा को एनक्रिप्ट करना एंड देन डिक्रिप्ट करवाना, ठीक है। उसके बाद जो है आपका डेटा को कॉम्प्रेस करना, वही आ गया, एंड देन डेटा कन्वर्जन, करेक्टर को ट्रांसलेशन। तो मेन जो इसका फंक्शन था वो यही था, ठीक है। अब देखो सेशन लेयर। सेशन लेयर का क्या होता है कि हम कंट्रोल करवाते हैं, कंट्रोल एंड मैनेज करवाते हैं डायलॉग को, ठीक है। तो यही अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो यही आता है कि कौन सी लेयर है जो इसमें से किसको चार ऑप्शन दे देगा, फंक्शंस दे देगा चार, और या फिर आपको जो आपका क्वेश्चन होता है वहां पे फंक्शन दे देगा, चार ऑप्शन बोलेगा कि पूछेगा कि कौन सी लेयर में से है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल एंड मैनेज किसमें करवाते हैं? द डायलॉग कनेक्शन को हम करवाते हैं, ठीक है, बिटवीन एप्लीकेशन।
टू एस्टेब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट कनेक्शन, मतलब कनेक्शन को क्या करना है, एस्टेब्लिश करवाना, मैनेज करवाना एंड देन क्या करवा देना, टर्मिनेट करवा देना, ठीक है। तो एस्टेब्लिश करवाना, टू एस्टेब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट, ये लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है सारा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। कनेक्शन मतलब आप क्या करोगे, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करवाओगे, मैनेज करवाओगे एंड देन टर्मिनेट करवा दोगे। तो ये चीजें कहाँ पर होती हैं, आपकी सेशन लेयर पर आती हैं। डायलॉग से रिलेटेड कुछ भी आए तो आप सेशन लेयर कर आओगे, ठीक है। उसके बाद देखो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है आपका एंड टू एंड रिलायबल डिलीवरी देती है, ठीक है। उसके अंदर जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर आप टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हो। टीसीपी में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोटोकॉल है, क्लियर है। देख लेते हैं, बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, इंक भी खत्म हो गई भाई। ट्रांसपोर्ट लेयर पर आपका क्या आ जाएगा, एंड टू एंड डिलीवरी, एंड टू एंड रिलायबल डिलीवरी। अगर एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल की बात आती है तो भी जो है आपको डेटा लिंक लेयर भी होता है और यहां पर आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड, अब नेटवर्क लेयर पर आपका क्या आएगा, प्रोवाइड करता है सर्विस टू ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर को सर्विस प्रोवाइड करेगा। और क्या होता है, इंटरनल डिजाइन ऑफ सबनेटिंग वगैरह जो है सारी चीजें कहां पर आ जाएंगी, आपकी नेटवर्क लेयर पर आ जाएंगी। उसके बाद जो है आपका कंजेक्शन कंट्रोल, फ्रेमिंग, राउटिंग, ये सारी चीजें कहां पर आती है आपकी, ये आती है आपकी नेटवर्क लेयर पर। क्या है आपका, प्रोवाइड सर्विस ट्रांसपोर्ट लेयर, ये तो आपको पता ही चल जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, राउटिंग, ठीक है। उसके बाद है आपका फ्रेगमेंटेशन, कंजेक्शन कंट्रोल, ठीक है। एंड देन है आपका डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या होता है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, फ्रेमिंग, ये सारी चीजें आपकी कहां पर आ जाएंगी, आपकी डेटा लिंक लेयर पर, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, आपकी लास्ट की दो लेयर रहती है, फिजिकल लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। डेटा लिंक लेयर पे क्या हो रहा है, एरर कंट्रोल हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा फ्लो कंट्रोल हो रहा है, एंड देन क्या हो रही है, फ्रेमिंग, क्योंकि फ्रेमिंग आप कहां पर यूज करते हो भाई, डेटा लिंक लेयर पर, ठीक है। एंड लास्ट आपका रहता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पर आपकी क्या हो जाएगी, बिट आ जाएंगी, ट्रांसमिटिंग टोपोलॉजी आ जाएगी इस पे, बिट स्ट्रीम टोपोलॉजी, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम आ जाएंगे कि किस मीडियम के थ्रू जो है आप डेटा सेंड करते हो, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सारी चीजें जो है आपकी कहां पर आ जाएंगी, फिजिकल लेयर पर आ जाएंगी। तो फिजिकल लेयर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोपोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन मीडियम इंपॉर्टेंट है कि किसके थ्रू जाते हैं। उसके बाद जो है आपका स्विचिंग वाला पार्ट है, स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, ठीक है। इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इतना ज्यादा आप इम्पोर्टेंट नहीं कहोगे। या फिर जो आपकी कोएक्साइल केबल हो गई, जो आप ये ट्रांसमिट करते हो कि किस मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करोगे, तो कनेक्शन ओरिएंटेड होगा, कनेक्शन लेस होगा, फिर उसमें वायर्ड, नॉन वायर्ड, तो ये सारी चीजें जो है, जो फिजिकल लेयर की जो फंक्शनैलिटी है उनको हम डिटेल में करेंगे एग्जाम सॉरी जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। तो फिजिकल लेयर की जितनी भी फंक्शनैलिटी है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और बाकी जो मेन है वो भी मैं आपको डिस्कस करवा दूंगी। उसके बाद और कहां से क्वेश्चन आएगा वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज की पूरी जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आई होगी।
डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बार बार कहती हूँ, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। और आज की क्लास कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, क्योंकि मैंने हर चीज आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल से करवाई है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, मैम थोड़ा डिटेल में करवा दो, थोड़ा स्लो करवा दो, तो बिल्कुल जीरो से करवाया OSI मॉडल। और अगर आप आज की क्लास अटेंड कर लेते हो तो OSI मॉडल आपका बहुत अच्छे से कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप दोनों ग्रुप पे पूछ सकते हो। जो पेड़ वाले बच्चे हैं उनको तो मैं अपनी इस क्लास के बाद जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे जो है भेज दूंगी, ताकि आप अपने जो क्वेश्चन हैं इसके बेस पे क्वेश्चन कर लोगे तो आपका ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, यानी कि नेक्स्ट जो आपकी क्लास 17 थी, क्लास 18 में मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, भूल जाते हो। ठीक है, बाय।